ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਵਾਦਿਆ ਬਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੇਮਨ ਨਾ ਫੜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਆ ਮੁੰਡ ਉੱਠੇ ਨਾ ਟੱਟੇ ਆੜ ਕਿਤੇ ਮਰੇ ਦੀ ਆ ਅਰੇ ਚਲੋ ਟੱਟੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਨਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆੜ ਕੋਲ ਦੇ ਆੜ ਕੋਲ ਦੇ ਆ ਕੋਲ ਦੇ भाई हेलो 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 यार करवा भाई चिप करवा रहे इसकी करवा जरूरी है विधायक जी बैठो ना चेयर रात मतगणना पहुंचे हैं, चार विधायक कांग्रेस से पहुंच चुके हैं, क्या अंदेशा लगाया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए झज्जर के अंदर बादली में ऐसी बातें चल रही थी कि वहाँ चार घंटे से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जो है प्रयास हो रहे थे। वहाँ सारी पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ चार घंटे से प्रयासरत है, उन्हें शक था कि ईवीएम से छेड़छाड़ होगी और वहाँ पर ना तो एलईडी थी काम कर रही थी ना कैमरे थे वहाँ, और चार घंटे से वहाँ पर लाइटें बंद थी और ये शंका थी कि वहाँ कुछ ना ईवीएम से छेड़छाड़ होगी। और यहाँ पर भी ये जाने का रास्ता आप देख रहे हो, इसमें कहीं जाने का कोई आदमी जा नहीं सकता, इतना अंधेरा है कि यहाँ आदमी जाना मुश्किल है। क्या यही अरेंजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जहाँ ईवीएम मशीनें रखी वहाँ जाने के लिए इतना अंधेरा हो आदमी जा ना सके? और इसके अलावा एलईडी काम नहीं कर रही, वहाँ अंदर किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा पार्टी के कैंडिडेट्स के आदमियों को, और कैमरे का अल्टरनेटिव ना कैमरे काम कर रहे हैं ना कैमरे का अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, यदि लाइट चली जाए तो वो कैमरे कैसे काम करेंगे? तो हर चीज़ शक के दायरे में है और इसलिए हमें यहाँ विजिट करना पड़ा। आकर देखा तो हालात जो है जैसे बताए गए थे उसी प्रकार के हालात यहाँ हैं, तो मैं नहीं समझता कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये बढ़िया इंतज़ाम है। और इस इंतज़ाम से ये महसूस होता है कि प्रशासन बहुत लापरवाह है। जिस तरह से अभी सर्वे दूसरी तरफ पलटे हुए हैं, जिस तरह दूसरे सर्वे आए हैं, क्या उस तरह से ये भी शंका है? जिस तरह से 80-85 पार ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल जो है इस पर जीरो है बीजेपी, लेकिन जो टीवी पर ये दिखाया जा रहा है इसलिए लोगों में शंका है। अगर इनके पास है कुछ नहीं लेकिन ये ईवीएम में छेड़छाड़ करके उसको अपना सच साबित करना चाहता है। दोबारा सर्वे आया है कोई? देखो दोनों दूसरा सर्वे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं पहला सर्वे पास आउट हो गया, वो कौन सा अलग अलग उसका है चैनल्स का, तो वो तो ये प्रिकॉशन ले सकते ना अगर भाई पहले जो चैनल था वो सही था। पोलिंग स्टेशन पर क्या स्थिति आपको दिख रही है? इस तरह से आपने अभी दौरा किया, क्या वहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था है या नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, जहाँ से जो है दीवार तोड़ी हुई है वहाँ से भी आदमी एंटर कर सकते हैं चाहे तो। और इसमें बीच में कैंपस में इतने आदमी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं और स्टूडेंट्स की जगह और भी आदमी रह सकते हैं, मतलब कोई प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि भाई इसको फुल प्रूफ जो है इसको बनाया जाए ईवीएम सेंटर को, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट व्हिच आर मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और जब तक पूरा इंतजाम नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है।